विजू भाई, सो बहुत विजू भाई परचेस्ड अ न्यू हेलमेट, बहुत हैप्पी। दिस इज अ न्यू हेलमेट, दिस इज कॉल्ड हेल्ड का नाम भी बहुत अच्छा है, मकान मकान बाइकर्स में भाई। और इसका बहुत अच्छा फीचर्स है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे फिलहाल के लिए भाई। ये इधर का लग रहा नहीं है यार, इधर का नहीं है, दिस इज मेड इन जर्मनी। ओके, इंजीनियरिंग का बहुत एंजॉयमेंट मिलने वाला है इसमें। मोबाइल ऐसा आवाज नहीं आता, कर वाला घर हो गया अभी मेरे। सो ऐसे डालते हैं। ओहो क्या बात है, ये बाइक एंड ये ओनर। तो ये एक चेन है भाई, अगर मैं बेरिंग चेंज करता हूँ तो दुनिया बेरिंग चेंज करती है। गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स लग रहे हैं? गाड़ी को पुश करने को जमता नहीं है नॉर्मल सरफेस में। देन क्लच केबल मेरे को लूज लग रहा है, एक्सेलरेशन केबल झटका मारता है एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन रहते हो तो वो एक चेंज करना है। तो ये तीन मेजर चेंजेस है जो मेरे को आज करना ही है। ये प्रोटोटाइप है ना, ये अभी चेन देखो, अभी तो चेन पूरा मैंने अभी साफ किया है विजू भाई का, फुल क्लीन एंड क्लियर। ये क्लीन किया मेरी गाड़ी का चेन, ये आवाज सुन रहे, इसको भी चेक कराना है। सो उद्घाटन किया जाए बेरिंग का पीछे से। और विजू भाई ये सीट अच्छा है यार, पीको फ्लोट, पीको फ्लोट का सीट है। इसका कॉस्ट है मैं जानता हूँ, इसका 1400 कॉस्ट है जो कि ऑर्डिनरी पीको फ्लोट से थोड़ा सा सस्ता है। हाँ मेरा 2000 का है मेरे पास जो है, बट ये अच्छा लगा मेरे को। ये अच्छा है, बट इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसमें हवा ब्लो करने को दिया है पंप जो मुंह से नहीं भर सकते। ये अच्छा तो पड़ गया था ना अपना, कैसे किया अपन ने, सिलिकॉन डाल के। सिलिकॉन डाल के कितना चला आपका चेन एंड स्प्रॉकेट? 5000। तो अभी जैसे साफ किया देखो कितना चमक रहा है। और ये है स्प्रॉकेट का बेयरिंग, ये भी होगा रिप्लेस। नॉर्मल सेटिंग होती है पूरा क्लीन, और इसके अंदर अच्छी तरह से ग्रीस लगाया हुआ बेयरिंग है ये, और ये अभी जाएगा अंदर। डॉक्टर साहब बेयरिंग का क्या हाल है? बुरा हाल है, बुरा हाल है। एक बेयरिंग फिट, चार और जोर लगा के ग्रिप निकाला जा रहा है, एक बाजू का आगे का खुला जा रहा है, पीछे का हो गया सेट। ये अभी एक जुगाड़, ये रखा है ईट, और स्टैंड पर बैलेंस है गाड़ी सो दैट आगे का व्हील ऊपर है। क्रिस बर्च देख रहे हैं कि नहीं? अब टेस्ट किया जाए चल रही है क्या बराबर। ये है गाड़ी पूरी रेडी, आगे का बेयरिंग लग गया है, चेन स्प्रॉकेट सॉरी चेन क्लीन ल्यूब एकदम परफेक्ट हो गया है, पीछे का पूरा बेयरिंग लग गया है, एंड गाड़ी अब जाने के लिए तैयार। काम हो गया पूरा, अभी नेक्स्ट टाइम क्लच केबल और एक्सल आज की, और राइट ग्रिप। अरे यार हाँ राइट ग्रिप बाकी।